हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो मैं रीडिंग्स करने जा रही हूँ ये वीकली रीडिंग्स हैं, जिसमें हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज़, आपकी जनरल रीडिंग करेंगे और कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपकी लाइफ में ये जो कमिंग वीक है उसमें क्या एक्सपेक्टेड है। ये जो कमिंग वीक है उसकी तारीख है 26 तारीख। 26 तारीख से 1 अप्रैल तक, 26 मार्च से 1 अप्रैल तक हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या क्या एक्सपेक्टेड है, जो राशि अनुसार होगा। एक एक राशि मैं आपके लिए पूरे दिन में पोस्ट करती रहूँगी, बने रहे, चेकआउट करते रहे, ठीक है। एक और चीज़ मैं ध्यान करा देती हूँ, ये रीडिंग्स को आपको देखना कैसे है, आप मून साइन के बेस पे देख सकते हैं, चंद्र राशि पर आधारित देख सकते हैं, नाम के अनुसार देख सकते हैं। अगर आपको अपने नाम या मून साइन के अकॉर्डिंग नहीं पता आपकी राशि कौन सी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा नीचे जाए, स्क्रॉल करें, आपको दिख जाएगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक शीट तैयार की है जिसमें आप अपने नाम अनुसार अपनी राशि फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है। यदि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ पता है और आप पसंद करते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें या असेंडेंट यानी कि लग्न राशि या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं। ये आपकी कंप्लीट जो है इच्छा हो सकती है, आप चेकआउट कर सकते हैं जैसे आप चाहें। बट मेरे लिए अगर मैं कहूं तो मैं आपसे एडवाइस करूंगी कि हो सके तो आप चंद्र राशि या आप नाम के अनुसार देखें, क्योंकि वैदिक शास्त्र में इसकी मान्यता, हमारे वैदिक शास्त्र में इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। बाय एनी चांस अगर बार बार रीडिंग्स देखने के बाद भी आपसे उसके एक्शंस मैच नहीं हो पा रहे हैं या किसी चीज़ को आप एक्यूरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करवा लेनी चाहिए। कुंडली एनालिसिस करवाने के लिए आप मुझे या किसी और व्यक्ति को, किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके कुंडली में किसी प्रकार का दोष हो या किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से सभी लोगों की लाइफ में इशू सॉल्व हो रहे हैं, बट आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो चेकआउट ज़रूर करवाएं। मेरे पास अगर आते हैं तो डेफिनेटली चार्जेबल है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग्स नहीं करती। पर्सनल रीडिंग जो है बहुत चार्जेबल होती हैं और सिर्फ कॉल रीडिंग्स हम लोग प्रेफर करते हैं। हम लोग जो है कुंडली एनालिसिस हो या टैरो रीडिंग हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, जो भी है, हम ओवरऑल रीडिंग जो करते हैं कॉल पे करते हैं। कॉल जो है उसके चार्जेस वगैरह आपको डीपी पे ही, नंबर जब आप ऐड करेंगे उसके डीपी पे ही देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ग्रीटिंग्स पे भी आपको इन्फॉर्म किया जाता है। कोई भी वॉइस नोट कॉल रीडिंग, सॉरी वॉइस नोट जो है व्हाट्सअप वॉइस नोट की रीडिंग हम लोग नहीं देते हैं और ना ही कोई और ऑप्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ कॉल रीडिंग का ऑप्शन रहता है जिसपे आपको पूछताछ करने के लिए व्हाट्सअप का नंबर सेव करना है, व्हाट्सअप की डीपी पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, ठीक है। आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नहीं तो भी आप किसी और को अगर दिखाना चाहे तो किसी और को दिखा सकते हैं, अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरे पहने हुए ब्रेसलेट बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं मेरे हाथ में जो ब्रेसलेट्स मैं पहनती हूं, तो मैं बता देती हूं ये स्पिरिचुअल ब्रेसलेट्स हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के अकॉर्डिंग भी बनवा सकते हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं, लव लाइफ के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। सभी की डिटेल्स जो है, ब्रेसलेट की डिटेल्स आपको जो है स्क्रीन पर भी दिखेगी चलते हुए, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सअप करने पर आपको इनके प्राइसेस पता चल सकते हैं और आप भी अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सो चले बिना और समय गवाए हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अब बारी है कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि की। अगर आप सोच रहे हैं अचानक से टेबल कैसे बदल गया, पूरा डेकोर ही बदल गया है, तो मैं बता दूं, इंट्रो पहले ही शूट कर दिया था और आउट ये जो मेन वीडियो है वो अभी मैं शूट कर रही हूँ। इंट्रो के साथ ही मैंने क्यों नहीं शूट किया, क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ गई थी अचानक से, इसके वजह से अभी मैं वीडियो जो है ये वीक की आपकी बना रही हूँ, ठीक है। तो कुछ वीडियोस मैंने पहले बना ली थी, कुछ वीडियोस मैं अभी बना रही हूँ, ओके। चले शुरू करते हैं यूनिवर्स मकर राशि वालों के लिए कमिंग वीक कैसा रहेगा 26 मार्च से 1 अप्रैल तक। मकर राशि वालों, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। इस हफ्ते आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है या कोई मेंटल पीस और सेटिस्फैक्शन तो ज़रूर मिल सकता है इस वीक। इस वीक आपके मन को ऐसा लग सकता है कि फाइनली आई गॉट समथिंग, मतलब वो बोला कुछ मिल गया, फाइनली कुछ अच्छा हो रहा है, लाइक इस तरीके की फीलिंग है। घर परिवार में भी लोग आपके आसपास जो है काफ़ी खुशहाल और हैप्पी नज़र आएंगे। इस हफ्ते आपके बेबी वगैरह के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो कंसीव कर सकते हो, वो गुड न्यूज़ आ सकती है। या अगर आप लोग जो है बच्चों को लेकर किसी चीज़ से स्ट्रेस्ड आउट हो, तो वो बच्चों की टेंशन जो है ख़त्म हो सकती है इस हफ्ते। ये वीक जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा वीक साबित हो सकता है। इस वीक आप अपने आप से प्यार करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने फेवरेट होंगे इस वीक। इस वीक आप काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में भी नज़र आएंगे, घमंड भी होगा, अहंकार भी होगा आपके अंदर, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी भी होगी। काफ़ी फादर टाइप फिगर की होंगे आप इस हफ्ते, काफ़ी फादर फिगर टाइप की, यानी कि ऐसा रहेगा कि इस घर में मेरा ही जो है चलना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वही राइट है, नहीं सुन रहे हो तो भाड़ में जाओ, वो वाली एनर्जी है। काफ़ी आप बॉसी नेचर में नज़र आएंगे इस वीक, काफ़ी ज़्यादा। और इस वीक आप वर्कहॉलिक भी काफ़ी नज़र आएंगे, काम पे भी खूब डेडिकेशन रहेगा, काम पे भी आप जो है सबको भागने पे मजबूर करेंगे, ये काम करो वो काम करो, सबसे नाइट करवाएंगे, देर देर तक काम करवाएंगे, खुद भी लेट तक काम करेंगे।
आप मल्टीटास्किंग काफ़ी करेंगे। इस हफ्ते आप बहुत जगह भागा भागी करेंगे, यहाँ भी भागेंगे लाइक ये काम वो काम वो काम, तीन मतलब एक साथ सब मल्टीटास्किंग करते नजर आएंगे। एट ए टाइम आप बहुत ज़्यादा जो है भागा भागी भी करेंगे और आपके अंदर जो है ऐसी चेंजेस भी दिखाई दे रही है जाके, जहाँ पे ये वीक जो है आपको एकांत नहीं मिलेगा, शांति नहीं, मतलब मन की शांति तो मिल जाएगी लेकिन ऐसा लगेगा कि हो गॉड मुझे थोड़ा सा आराम करने का समय दे दो वाली एनर्जी रहेगी। बट डोंट वरी, हफ्ते के एंड में आपको आराम मिल सकता है। बाकी अगर कुछ अच्छे एक्सपेक्टेशंस आपके हैं इस वीक, कोई बड़ा प्लान है तो आप कर सकते हो, ये वीक आपके लिए शुभ है। फाइनेंशियल स्टेटस में अगर मैं देखूँ, फाइनेंसेस आ तो रहे हैं लेकिन ध्यान रखना खर्चों पे कंट्रोल करो, क्योंकि चांसेस है कि खर्चा भी खूब करोगे इस वीक खूब खर्चे भी हो रहे हैं, कंट्रोल करो थोड़ा सा, ज़रूरत से ज़्यादा भी खर्चे अच्छे नहीं हैं। इस वीक आप काफ़ी ज़्यादा दिमाग से तो काफ़ी बुद्ध से बलवान रहेंगे लेकिन थोड़े से अकड़ू या घमंडी भी रहेंगे, जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना, बिना वजह बिना बात के लोगों को नीचा मत दिखा देना, खुद को अपने आप को इतने पावरफुल और लोगों को थोड़ा कम महसूस करने की गलती मत करना, क्योंकि ऐसा लग रहा है ब्लेसिंग्स और रिवॉर्ड्स तो आपके जीवन में है ही, कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना हवे में आ जाए कि लोगों को बिना वजह जो है कम महसूस करवा रहे हैं और बाद में फिर कर्मा है यार, थोड़ा सा संभाल कर चलना। ओके, ज़्यादा भी ऐसे नहीं रहना, बोलते ना दान धर्म करते रहो, सबके बारे में सोचते रहो। बाकी परिवार वगैरह में देखूँ तो हेल्थ काफ़ी अच्छी है, परिवार वगैरह में देखूँ तो खुशहाली है और हेल्थ के प्रस्पेक्टिव से देखूँ हेल्थ अच्छी है, लेकिन यस मुझे मूड स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ में मूड स्विंग्स, पैर में दर्द या पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है, कुछ लोगों का मोटापा बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पर मुझे पेट बढ़ता हुआ दिखा है, स्टमक बाहर निकल सकता है, एसिडिटी इशू, स्टमक रिलेटेड इशू हो सकते हैं, थोड़ा सा सावधान हो जाओ, थोड़ा सा उठ के काम करना सीखो, बार बार जो है वॉक करो अगर वर्क फ्रॉम होम है तो, ठीक है। बाकी बेसिकली अगर देखो तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। अब मैं आपकी लव लाइफ देख लेती हूँ, यूनिवर्स मुझे बताए लव लाइफ के अकॉर्डिंग मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये कमिंग वीक, 26 मार्च से 1 अप्रैल मुझे पता है लव लाइफ कैसी रहेगी। थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी पार्टनर के लिए, इनकी फीलिंग्स बताएं, कैप्रिकॉर्न राशि वालों की फीलिंग्स पार्टनर के लिए। सेवन ऑफ व्हील्स विथ द एम्परर, पार्टनर की फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स इस वीक, कमिंग वीक। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पार्टनर आपको लेकर काफ़ी उलझे रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते नजर आएंगे इस वीक, काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग करेंगे। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो आपके साथ हाथ में हाथ डालकर बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, लेकिन किसी ओवरथिंकिंग की वजह से वो आपसे डिस्टेंस भी क्रिएट करते नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी दूरी बनाते हुए, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हुए आपको लेकर कहीं ना कहीं उदास होते हुए, मन थोड़ा सा हताश करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं कुछ मजबूरियों को या आप दोनों के बीच में किसी डिस्टेंस को लेकर बहुत उदास है, या आप शायद उन्हें समझ नहीं पा रहे, या आपके बर्ताव को लेकर ये कहीं ना कहीं उदास है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर संतुष्ट नहीं है, हैप्पी नहीं है जिस सिचुएशन में आप लोग दोनों हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ से वो दुखी हैं, स्टक फील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप से वो बाहर निकलना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं पर बहुत खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि आप जो है काफ़ी कन्फ्यूज़ हो अपने और इनके रिलेशनशिप को लेकर, आप उलझे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या मिलने वाला है और इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं, मूव ऑन करना बेहतर रहेगा या पता नहीं अब वो इंटरेस्टेड है कि नहीं, आप काफ़ी कन्फ्यूज़ रहेंगे अपने पार्टनर को लेकर, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इनके जीवन में कुछ बातें हैं, या तो ये छुपा रहे हैं या तो आप इनको काफ़ी कोल्ड बिहेव करते हुए फील करेंगे, आपको लगेगा काफ़ी कोल्ड फील करवा रहे हैं, यानी कि बहुत ठंडा बिहेवियर आप इनकी तरफ फील कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इनके प्रति बहुत प्रेम रखते हैं बट कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप क्वेश्चन करने पर मजबूर हो जाएंगे, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डाउटफुल सिचुएशन में चले जाएंगे, आपको लगेगा कि पता नहीं जो रिलेशनशिप है वो राइट है कि नहीं। साथ ही साथ ये डाउट आपका ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपको लग सकता है कि पार्टनर की लाइफ में शायद कोई और व्यक्ति है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति कोई और तो नहीं बट कहीं ना कहीं ये आपकी वजह से ये काफ़ी उदास हैं और काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, आपसे कुछ उम्मीदें हैं या कुछ एक्सपेक्टेशन है जो इनकी नहीं पूरी हो रही है, जिसके वजह से काफ़ी एक बोलते हैं ना कि
तकलीफ वाली सिचुएशन में, पेनफुल एक्ट में है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ भी नहीं पा रहे। ओवरऑल अगर मैं लव लाइफ देखूँ तो लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि फैमिली वगैरह में जितना ही अच्छा माहौल है, जश्न का टाइम है, सब चीज़ें बेहतर है, उतना ही लव लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे ब्रेक थ्रू मोमेंट है। अब यहाँ पे कुछ सच्चाइयाँ ऐसे आपके सामने आ सकती हैं या कुछ ऐसी सच्चाइयाँ या रियलिटी आपको फील हो सकती है जिसमें या तो ये रिश्ता वापस से एक फ्रेश स्टार्ट लेगा या तो ये रिश्ता कम्प्लीटली एंड करेगा, क्योंकि ब्रेक थ्रू मोमेंट एक तूफान को भी रिप्रेजेंट करता है। ये तूफान कुछ अच्छा भी कर सकता है, कुछ बुरा भी कर सकता है, निर्भर करता है इस तूफान में आपका रिएक्शन क्या है, आप कितने पॉजिटिव हो निर्भर करता है। अगर आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिवली चीज़ें हासिल करेंगे। हालांकि अगर ओवरऑल मैं देखूँ तो ये वीक आप लोगों के बीच में काफ़ी कोल्ड बिहेवियर देखा जाएगा, ना आप ज़्यादा इनिशिएट कर रहे हो ना वो ज़्यादा इनिशिएट कर रहे हो, दोनों के बीच में थोड़ी सी एक डिस्टेंस है। आप ट्राई भी कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि पार्टनर उतना इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, पार्टनर जैसे आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं या ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, कुछ बातें मन ही मन रख रहे हैं। आपको लग सकता है कि ये व्यक्ति शायद कहीं और इंटरेस्ट ले रहे हैं, कहीं और बिहेव लाइक कहीं ना कहीं और ध्यान दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर किसी बात से उदास है, इस तरीके की एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे पता एडवाइस क्या देना चाहेंगे कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए ये कमिंग वीक में। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ चीज़ों में ना कभी कभी अपनों के लिए झुकना सीखो या एडजस्ट करना सीखो। कभी कभी ना दूसरों के लिए ऐसा भी हो जाना चाहिए कि हमेशा ऐसा नहीं कि आप ही राइट हो, हमेशा यही नहीं है कि आप ही सही हो, आप ही सही बोल रहे हो, नहीं। कभी कभी हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो रही है, हो सकता है कि आपके एटीट्यूड या बर्ताव में सामने वाला नाराज़ हो रहा है। मैंने आपको कहा ना कि ये वीक आपके लिए अच्छा तो है, पर कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना हवे में आ जाए कि प्रॉब्लम्स आ जाए आपके, आपको स्ट्रेस आ जाए, बाद में आपको देखना है ना, आगे भी लाइफ देखनी है, राइट। थोड़ा सा आपके अंदर ऐसा एनर्जी होनी चाहिए जहाँ पे आप ग्रैटिट्यूड दिखाएं, हमेशा ग्रैटिट्यूड रहें, थैंकफुल रहें चीज़ों के लिए, आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, शिकायतें कम करें, कंप्लेंट कम करें। और अगर आपसे कोई नाराज़ है जो आपके दिल के बहुत करीब है तो उससे खुलकर बात करने का प्रयास करें, कम्युनिकेशन करें, डिसाइड करें, बात करने जानने की कोशिश करें, जाकर खुद ट्राई करें और देखें कि शायद आपको पता चल जाए कि आप लोग दोनों के बीच में या जो आपके अपने हैं वो आपसे नाराज़ क्यों हैं। हो सकता है आपको प्रॉब्लम पता चल जाए, हो सकता है वो चीज़ें बहुत ही सरलता से सॉर्ट आउट हो जाए। अगर ये मुमकिन नहीं है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे, तो अपनी लाइफ में एक फैसला लेकर आगे बढ़ जाओ, फिर उन चीज़ों के बारे में मत सोचो, फिर उन लोगों के बारे में जो आपके अपने हैं फिर उनको लेकर दुखी मत हो जाओ, फिर उनको छोड़कर आगे ही बढ़ जाओ। मतलब एक फैसला कर लो, अगर वो आपके लिए बहुत प्रिय हैं तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करो, थोड़ा सा झुक जाओ, लेकिन अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं और आपको लग रहा है सिर्फ लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं तो आगे बढ़ो, फिर अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो, ठीक है। सो यदि आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें इस चैनल को। दूसरे चैनल पर मैं बर्थ डेट के अनुसार जो है रीडिंग्स डाल रही हूँ, देखने के लिए ज़रूर जो है लिंक चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।